नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एवन टेक्निकल इंस्टीट्यूट में। दोस्तों आज आपको बताने वाले हैं कि फोर सिलेंडर में वायरिंग किस प्रकार से किया जाता है। तो चलिए दोस्तों हम लोग लाइव दिखाते हैं और बताते हैं किस प्रकार से होता है। चलिए दोस्तों हमारा यहाँ पे काम हो रहा है तो आप लोग देख सकते हैं कि घड़िया लेके बता रहा हूँ। ये पैनल बोर्ड लग चुका है जो कि यहाँ पे एमसीबी वगैरह लगेगा। यहाँ से हमारे जितना भी रूम है यहाँ से इसको कंट्रोल करने के लिए एमसीबी लगेगा। ये सर्किट अलग अलग बांटा जाएगा। साथ ही साथ आप लोग देख सकते हैं कि हमारे इसके अंदर पूरा पॉइंट दे दिया जा चुका है और वायरिंग भी हो चुका है। तो दोस्तों ये देखिए हम लोग लूपिंग अंदर हैं और ये सबसे बढ़िया लूपिंग हो चुका है हमारा कलेक्शन पूरी तरीके से। हाँ तो ये दोस्तों लूपिंग हो चुका है यानी पूरा तार हम लोगों ने कलेक्शन कर दिया है। यदि यही से न्यूट्रल आप काट के सबको सब सर्किट गिरा दिए न्यूट्रल का, आप लोग देख सकते हैं न्यूट्रल फेस का सर्किट सब जगह बट गया है पूरा लाइट और हमारा मेन सर्किट सबका बट के वहाँ से गया है वो मेरे मेन पैनल पे। और ये पंखे का है जो फास्टनर लगा है वो यहाँ पे गया है। ये पंखे का हमने नया फास्टनर वहाँ लगा दिया अच्छे से ताकि पंखे में कोई डिस्टर्बिंग ना आए और भविष्य तक ये चलता रहे। और ये देख सकते हैं ये फेस एक है और ये न्यूट्रल है यानी यहीं से न्यूट्रल हम दे देंगे एक बल्ब को और यहाँ से फेस दे देंगे यानी सबका न्यूट्रल यहीं से न्यूट्रल हर जगह ले लेंगे गए हर रूम में गया ये न्यूट्रल ये सभी हमारे नीले वाले बार को हमने न्यूट्रल बना दिया है। और बाकी सब फेस प्रॉपर तरीके से फंक्शनिंग की वायरिंग हो चुकी है। ये जो भी लगा है आप लोग देख सकते हैं ये नया जो फंक्शनिंग में नया नया लाइटें चल रही है यूपी लाइट डिजाइनिंग सब टोटल लाइट का है। अगर मॉडर्न जमाने का प्रेजेंट युग का ये सब देखते हुए सब फंक्शनिंग बन रहा है और प्रेजेंट वक्त देखते ही हम लोग का सबका सेपरेट कनेक्शन किया है फंक्शनिंग में दिक्कत ना आए। सपोज हमारा कभी शॉर्ट सर्किट होता है तो फिर दिक्कत हो जाएगी फंक्शनिंग तोड़ना पड़ेगा। तो इसलिए इसमें तार का भी विशेष ध्यान दिया गया है कि कौन एम एम का तार कितना लोड पे लगेगा तो सब कुछ ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने इस वायरिंग को अच्छे तरीके से किया है। एवन कंप्यूटर टेक्निकल इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। तो ऐसे ही वायरिंग आपको मिलता रहेगा हमारे हर एक नए ब्लॉक में बने रही। तो वायरिंग तो आसान है पर देखिए ये हमने आराम से गिरा दिया इसलिए कि कहीं कहा शॉर्ट होट ना हो आपस में कभी फॉल्ट होट ना आए। जैसे का लूप अलग अलग हम तीन तीन बल्ब का अलग अलग लूप निकाले हैं कनेक्शन करने के लिए अलग अलग सेपरेट कनेक्शन करने के लिए निकाल दिए हैं। तो इसके अंदर देख सकते हैं हम लोगों ने सबसे पहले इसको पाइप का वायरिंग किया है और डीसी जंक्शन का लगा के जंक्शन बना दिया है। यहीं से जंक्शन यहाँ भी गया है यहीं से जंक्शन यहाँ भी गया है यानी एक ही जगह से सब जगह बांटने के लिए हमने सारा जंक्शन का प्रयोग किए हैं। ये हमारा फ्लेक्सिबल पाइप है जो कि ये फ्लेक्सिबल पाइप के नाम से जाना जाता है। ये हमारा फ्लेक्सिबल पाइप है ये बंडल के हिसाब से आता है 200-300 बंडल आता है। पार्सलिंग में सबसे ज्यादा ये यूज होता है जो कि हमारे दुकान पर मिलता है ये राधे कृष्ण टेलर जो हमारी शॉप है। तो इसमें जो वायर यूज किया गया इस वायर का नाम है पॉलीकैप वायर है और हैवेल्स वायर का प्रयोग किया गया इसमें। तो वायरिंग हो सकता है वायरिंग ऐसा वायरिंग किया गया कि आने वाले 50 साल में कोई दिक्कत नहीं आने वाली क्योंकि ज्यादा लोड जैसा लोड है वैसा वायर का यूज किया गया है। और बहुत ध्यान में रखते हुए कि शॉर्ट सर्किट कभी ना हो नहीं तो शॉर्ट सर्किट होता है तो बहुत दिक्कत आ जाएगी फॉर सेलिंग तोड़ना पड़ेगा फिर ज्यादा खर्चा बढ़ जाएगा। इसलिए हम सभी को देखते हुए ये सब काम किए हैं। बाकी आगे भी चल रहा है जो पैनल हमारा गिरा है दिखा सकते हैं वो हमारा पैनल बोर्ड है जिसमें एम सी बी लगेगी यानी सब अलग अलग रूम में सर्किट बटेगी। बाकी काम चल रहा है अभी संपर्क करिए। अभी इनका दो तीन डिजाइन हम दिखाते हैं आप लोग को ताकि बहुत अच्छा लगेगा। दिखाई जरा इनका उस वाले पूजा वाले रूम में शायद बना है इनका। आप कोई भी डिजाइन बना सकते हैं कोई भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली कुछ नहीं तो इनसे संपर्क कर सकते हैं। और मोबाइल नंबर निकाल लेने के लिए अपना मोबाइल नंबर बता दीजिए जरा दादा 8052910-25 इनका मोबाइल नंबर है कृपया लिख लीजिए अगर फार सेलिंग करवाना तो इनसे कॉन्टेक्ट करें। और आपको अगला भी दिखाते हैं इनका रूम का डिजाइन जो इन्होंने ड्रा किया है मैंने बना दिया है। और ये हमारे उनके हेल्पर साहब हैं ताकि ये यहीं से हैं अपने लोकल एरिया से हैं। अभी काम चल रहा है झाड़ले पे इन लोग का तो फार सेलिंग का भी इसमें वायरिंग का काम अभी हो चुका है पूरे अच्छे तरीके से। तो चलिए दोस्तों हम लोग दिखाते हैं किस तरह से डिजाइन बना के ये लोग काम कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे डिजाइन देखिए जरा बहुत ही बेहतरीन बहुत ही तारीफ लायक है ये
दादा बहुत ही कलाकार आदमी है और ये झारखंड से आए हुए हैं यहाँ पे। दादा का जितना तारीफ किया जाए उतना ही कम है। और दादा पहले बाहर काम करते थे या फिर अभी अपने लोकल एरिया में काम कर रहे हैं। और ये देखिए दोस्तों, ये वायरिंग भी किया गया है, इसमें अच्छे से हम लोगों ने कर दिया है। तो हर लाइट के लिए अलग अलग वायरिंग किया गया है, इसमें लाइट कटा नहीं है, अभी लाइट कट के लगेगा तो देखते रहिए। और ये सब तो देखिए दोस्तों, ये हमारा फेस है, ये हमारा जो है, ये हमारा जितना भी है ये सब दोस्तों, ये हमारा पॉइंट का है, ठीक है। ये ग्रीन कलर का है जो हमारा इन्वर्टर का वायर है, ठीक है। और ये जो ब्लैक वाला है ये भी हमारा मेन है। और इसमें जो तार यूज़ किया गया है उसको हम लोग बताते हैं कि इसमें कौन सा वायर कैसा आता है। देखिए दोस्तों, ये हमारा जो है ये मेन है जो कि फेस न्यूट्रल है। और इसमें दोस्तों ये देखिए, जो ग्रीन कलर का वायर है ये हमारा इन्वर्टर का है। और इसके साथ साथ दोस्तों, हमारे पास ग्रीन कलर का वायर नहीं था, इसके वजह से ये पीले और वाइट कलर का भी वायर मतलब बनाया गया है, ठीक है। क्योंकि इसमें एक साथ में टेपिंग किया गया है ताकि पहचान में आ जाए कि हाँ ये इन्वर्टर का है, ठीक है। और बाकी ये दोस्तों आप लोग देख पा रहे होंगे, ये जितना भी है ये हमारा पॉइंट का है, यानी कि जितना भी बल्ब लगेगा, पंखा लगेगा, उसका ये कनेक्शन करने के लिए ये अलग से वायर डाला गया है, ठीक है। बाकी ये जो वाइट कलर का ये वाला वायर जो है ये भी हमारा इन्वर्टर का ही है, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों वायरिंग होता है। अगर आपको अच्छे तरीके से जानकारी लेना है या सीखना है तो आप लोग हमारे इंस्टीट्यूट पे आकर के संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए अगला डिजाइन दिखाते हैं, दादा का अगला डिजाइन दिखाते हैं, थोड़ा इनका भी हम बताते हैं कैसे क्या करते हैं। ये थोड़ा डिजाइन इनका देखते हैं आप लोग। और ये देखिए, ये फार सेलिंग हो चुकी है, इसकी लाइट अभी कटी नहीं है। तो इसका अगला वीडियो देंगे, जब इसका पेंटिंग वेंटिंग होगा तो फिर हम बना के दिखाएंगे आप लोगों को। और हर जगह लूपिंग तार का वायरिंग तो हो चुका है इसमें, बस इसमें भी वायरिंग हो चुका है, इसमें तार इसलिए नहीं दिख रहा है कि अभी कटिंग हुआ नहीं है लाइट के लिए। तो अभी जब आगे के वीडियो में हम बताएंगे, डालेंगे इसका कटिंग करेंगे तो दिखाएंगे। और ये देखिए सब कनेक्शन हो चुका है, फिर आइए दिखाते हैं अगला रूम। और ये देखिए बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही तारीफ लायक है, दादा बहुत ही कलाकार आदमी है। और देखिए कला अपना काम बहुत ही मेहनत पूर्वक करते हैं, और इधर उधर ध्यान कम लगाते हैं अपना। दादा और कुछ कहना चाहेंगे आप? ना कुछ नहीं कहना है, सब बढ़िया है। तो बढ़िया है सब बढ़िया, दादा का भी बढ़िया है। तो मेरे ब्लॉग में स्वागत है आप सभी का, एवन कंप्यूटर टेक्निकल इंस्टीट्यूट में। तो फिर अगर आपको फॉर सेलिंग करवाने हो तो इनसे संपर्क कर सकते हैं, नंबर इन्होंने दिया है, एक बार रिपीट करके वीडियो देख ले हमारा।